हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आशीष कुशवाहा, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैनपाट के टॉप 6 पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी, जहाँ पर दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मैनपाट कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मैनपाट छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ पर अंबिकापुर से आप लोग बाई रोड के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बाइक या फिर बस के माध्यम से आप लोग मैनपाट पहुँच सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैनपाट के पर्यटन स्थलों में से सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है दोस्तों पुरानी बुद्धा मंदिर। दोस्तों यहां पर इसकी संख्या 4 से 10 है, जहां पर दोस्तों इसको देखने के लिए देश भर के लोग आते हैं। और इसकी डिजाइन इस प्रकार से की गई है कि ये बहुत ही पुरानी लगती है। और मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंदिर में बुद्ध भगवान की पूजा की जाती है और मंदिर के आसपास तिब्बती लोग बसे हुए हैं और यहां का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों मैनपाट के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से दूसरे नंबर पर मैंने रखा है उल्टा पानी को। दोस्तों यहाँ पर उल्टा पानी बहता है जिसके कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। समानतः तौर पर देखा गया है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, लेकिन दोस्तों इसके जस्ट उल्टा यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है और यह पानी एक नाली के माध्यम से ऊपर की ओर बह रहा है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर गाड़ी को अगर न्यूट्रल पर छोड़ दिया जाए तो नीचे से ऊपर की ओर गाड़ी चलने लगती है, इसी के कारण उल्टा पानी प्रसिद्ध है और मैनपाट के रहस्यमय जगहों में से एक है। दोस्तों यहां पर आप लोग बाई रोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों मैनपाट के पर्यटन स्थल में तीसरे नंबर पर मैंने रखा है जलजली पर्यटन स्थल। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि धरती जंप करने पर हिलती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से इस ज़मीन को देखने के लिए आते हैं और इस स्थान को जलजली पर्यटन स्थल या फिर हिलती हुई ज़मीन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप विचित्र प्रकार के मोटर राइड का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही में आप लोग घोड़े का राइड का भी यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। यह स्थान अपने जमीन के कारण प्रसिद्ध है, जहां पर दोस्तों जंप करने पर जमीन हिलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों मैनपाट में चौथे नंबर पर पर्यटन स्थल जिसका नाम है टाइगर पॉइंट। दोस्तों यह स्थान अपने वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर दोस्तों लगभग 50 फीट की ऊपर से पानी नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ती है। दोस्तों यहाँ का वातावरण काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर दोस्तों सीढ़ियाँ भी बनाई गई है जिससे वाटरफॉल के नीचे आप लोग इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, साथ ही में देश के कई हिस्सों से भी यहाँ पर पर्यटन पहुँचते रहते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैनपाट के पर्यटन स्थलों में से पाँचवें नंबर पर मैंने रखा है मछली पॉइंट को। दोस्तों यह स्थान टाइगर पॉइंट से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और दोस्तों यह स्थान अपने वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर दोस्तों लोग दूर दूर से इस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चारों ओर इसके घने पेड़ पौधे हैं और यहां पर लोग अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर दोस्तों नए साल पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैनपाट के पर्यटन स्थलों में से छठवें नंबर पर मैंने रखा है मेहता पॉइंट को। दोस्तों यहां पर से आप पहाड़ों की सुंदरता को देख सकते हैं और ऊपर से नीचे देखने पर पहाड़ कैसा दिखाई देता है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ से दिखाई देते हैं और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा रहता है। तो आप लोग मेहता पॉइंट पर आकर पूरा यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर आने से दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और जिन भी लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में घूमना फिरना पसंद है या फिर ट्रैकिंग करना पसंद है तो वो लोग मैनपाट आ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को सारी जो पर्यटन स्थल है मैनपाट के उसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।